नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं पहले इंडोर प्लांट की। पहले इंडोर प्लांट मैं ले रही हूँ जीजी प्लांट, और आज मैं उसी के बारे में आपसे पूरी बात करूँगी। इंडोर प्लांट लगाना आजकल फैशन की तरह हो गया है, लोग लेके आते हैं, पर पता भी होना चाहिए इसके क्या फायदे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जीजी प्लांट के बारे में। जीजी प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर कैसे बनाना है, जीजी प्लांट को हम एक प्लांट से किस तरह दूसरे और प्लांट बना सकते हैं, हम फायदे की बात करते हैं। नासा ने इस प्लांट पर रिसर्च की है कि ये वाहनों से जो होता है पोल्यूशन उसको बहुत कम करता है, इसलिए ये प्लांट जरूर घर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे हर घर में आजकल 4-व्हीलर 2-व्हीलर है ही, तो ये उसके जो पेट्रोल का पोल्यूशन है उसको ये कम करता है, इसलिए बहुत जरूरी है घर में होना। कम से कम हर रूम में एक प्लांट तो ये होना चाहिए, और इसी साइज का प्लांट एक रूम में हो तो बहुत है। जीजी प्लांट 200 से 250 रुपए का मिल जाता है। हालांकि लगेगा सुनने में बहुत महंगा प्लांट है, पर इतना बड़ा प्लांट मैंने 250 रुपए का लेके आई हूँ, पर इसकी एक एक पत्ती से एक एक पौधा बन जाएगा, तो इस तरह से ये फायदे का सौदा है, और पौधा भी बनाना इसका बहुत ही आसान। इसका नया पौधा इसकी स्टेम से भी बन जाएगा, ब्रांच से भी बन जाएगा, और ये लीफ से, ये दो लीफ से एक ऐसे पौधा बन जाएगा, और सिंगल सिंगल लीव्स जो है इससे भी पौधा बन जाएगा, और यहाँ से इसकी जड़ें आ जाएगी। ब्रांच और स्टीम को प्रोपोगेट करने के दो तरीके, एक तो आप सीधे पानी में उनको डुबो के रख दीजिए, और दूसरा सैंड में लगा दीजिए, तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। पानी में 30 से 35 दिन में इनमें जड़ें आ जाती है, और जो आप सैंड में लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर उसमें जड़ें आ जाएंगी, और फिर नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी। फिर आप इसे रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग करने के लिए आप 50% सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए, और 20% कोकोपीट लीजिए, कोकोनट हस्क लीजिए 20%, और 10% कंपोस्ट खाद लीजिए। ये बढ़िया मिक्सचर होता है इस पौधे को लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बस ध्यान ये रखना है अपन को कि ज्यादा इसे पानी देना नहीं है, क्योंकि कम पानी में 15-20 दिन में एक बार आप पानी दीजिए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में पिछले बताया भी था इसके बारे में। और सूर्य बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। आप जैसे कभी सोचें कि अरे प्लांट है सो तो सूर्य की रोशनी दिखानी होगी, तो नहीं, ये कभी मत करिएगा, नहीं तो पौधा आपका खराब होगा। इसको कैसे कट करके आप लगाएंगे मैं ये बता रही हूँ आपको। देखिए, आप इसको यहाँ से इस डगाल को आप यहाँ से इसे कट करेंगे एक बार में, और इस तरह से आप पानी में लगा सकते हैं, जो 30 से 35 दिन में इसमें जड़ें आ जाएंगी। अब आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट के, इस तरह से लगा सकते हैं, है ना? और इसको सिर्फ लीव्स भी लगा सकते हैं, ऐसे इस तरह से कम पानी ऐसे। ये 30 से 35 दिन में इसमें जड़ आ जाएंगी। और इसमें याद रखें कि जब अपन प्रोपोगेट कर रहे हैं तो पानी फिर तो उसमें हमेशा रहेगा, पानी लगातार भरा रहे कटोरी में, क्योंकि अभी गर्मी है, जैसे अभी आप करेंगे तो पानी जल्दी जल्दी कम होगा, तो ध्यान रखिए कि पानी हमेशा इसमें हो। और जैसे आप सैंड में भी लगाएंगे तब भी इसमें पानी आपको रोज डालना है। सैंड में 30 से 35 दिनों के अंदर जड़ें आ जाएंगी, जबकि आप जब मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें 1.5 से 2 महीना लग सकता है प्लांट को लगने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय। And don't forget to like, share, comment and subscribe.